वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो है ऑन दिस स्मोकी ग्लिटर हेलो आई मेकअप। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो टू नो हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। आई शेडो पैलेट के लिए मैं यूज़ करूँगी मॉर्फी जेम्स चार्ल्स पैलेट, एंड ये पैलेट आपको नायका पे अवेलेबल होगा। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश, एंड इससे मैं जो ये ऑरेंज टोन ब्राउन आई शेडो है उसे पिक करूँगी एंड अपने क्रीज पे इसे अप्लाई करूँगी। ये आई शेडो को मैं अच्छे से अपने क्रीज पे ब्लेंड करूँगी। तो कलर को मैं पहले बिल्ड करूँगी एंड सर्कुलर एंड बैक एंड फोर्थ मोशन में उसको ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैंने लिया है एक स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश एंड पिक करूँगी दिस वेरी वेरी डार्क ऑलमोस्ट ब्लैक आई शेडो, एंड इसे मैं अपने आईज़ के इनर पार्ट पे अप्लाई करूँगी एंड साइमल्टेनियसली इसको वही एरिया पे ब्लेंड भी करूँगी। सेम आई शेडो को मैं आउटर कॉर्नर पे भी अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं हेलो आई मेकअप क्रिएट कर रही हूँ, सो मिड आई लिड पे फ़िलहाल मैं कोई भी आई शेडो अप्लाई नहीं कर रही। नेक्स्ट दोनों साइड की एजेस को ब्लेंड करते हुए ब्लैक आई शेडो को मैं क्रीज पे भी ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी कंसीलर एंड इसकी हेल्प से मैं क्रीज को कट करूँगी। तो क्रीज को हम मिड आई लीड पे कट करेंगे एंड फर्स्ट यहाँ पे मैं क्रीज को मार्क करूँगी एंड देन मार्किंग के नीचे कंसीलर की हेल्प से मिड पोर्शन को क्लीन करूँगी। उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है एंड आई एम पिकिंग दिस रस्टी ऑरेंज शिमर आई शेडो, एंड इसको मैं कंसीलर के ऊपर अप्लाई करूँगी एंड एज यू कैन सी हाउ पिगमेंटेड द शेड इज़। तो कंसीलर को मैंने सेट नहीं किया था, डायरेक्टली कंसीलर के ऊपर इस शेड को अप्लाई किया है। नेक्स्ट ब्लैक शेड को लेके शिमर आई शेडो की हार्श एजेस को डिफ्यूज़ करूँगी। तो फर्स्ट आउटर पार्ट की एजेस को ब्लेंड करूँगी एंड सेम इनर पार्ट पे भी करूँगी। इससे ब्यूटीफुल सा ट्रांजिशन क्रिएट होगा और आई मेकअप बिल्कुल भी ब्यूटीफुल दिखेगा। नेक्स्ट अप्लाई करूँगी ग्लिटर। सो आई हैव यूज ब्यूटी ग्लेज ग्लिटर पैलेट एंड इसमें से ये जो ऑरेंज ग्लिटर है वो अपने आईज पे अप्लाई करूँगी ओनली इन दिस सेंटर पार्ट। देन ट्रांजिशन शेड को पेंसिल ब्रश की हेल्प से अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी एंड देन स्मोकी इफेक्ट देने के लिए ब्लैक शेड को भी लैश लाइन के क्लोज अप्लाई करूँगी। हाईलाइट के लिए यूज़ करूँगी शुगर का मिनी हाईलाइटर इन द शेड गोल्ड ग्लोरी एंड इसे अपने ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट आईलाइनर के लिए यूज़ करूँगी एल्फ एक्सपर्ट लिक्विड आईलाइनर एंड इसकी हेल्प से एक बेसिक आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। काजल के लिए यूज़ करूँगी शुगर का हेवी ड्यूटी गोल्ड इन द शेड बैक इन ब्लैक एंड इसे अपने लोअर वाटरलाइन पे अप्लाई करूँगी। देन अपनी लैशेस को कर्ल करूँगी एंड मस्कारा के लिए मैं यूज़ करूँगी शुगर्स अपटाउन कर्ल मस्कारा एंड इसकी हेल्प से अपनी अपर एज वेल एज लोअर लैशेस को कोट करूँगी। नेक्स्ट मैंने फॉल्स आई लैशेज भी अप्लाई की है फ्रॉम बेफलॉन एंड ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगी एंड ग्लू के लिए आई हैव यूज फ्रॉम PAC। एंड दिस इज़ द फाइनल कंप्लीटेड लुक गाइज। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आई शैल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।